यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि हमें तो इसे डिफरेंट चीज़ें देखनी है, नेटिव पॉलीज है, फॉरेस्ट है, कि नेचर को एंजॉय करें। और स्नोई आउल अगर मैं बताऊँ आपको तो ये आउल की बड़ी ही एक्सटिंक्ट किस्म की ब्रीड है, स्पीशी वाइट बैग, अच्छा खासा बड़ा है। कैंगरू बड़े फ्रेंडली होते हैं इसलिए मैंने बिल्कुल उसको ओपन एरिया में रखा हुआ। ये मेरी जो विश लिस्ट थी या चेक लिस्ट थी उसमें वन ऑफ द टॉप लोकेशंस थी कि हमने यहाँ से दुनिया का टाइम स्टार्ट होता है, द शेफर्ड 24 आवर्स गेट क्लॉक, जो कि दुनिया का टाइम डिसाइड करती है, जीरो पॉइंट कहलाता है। और ये जीरो पॉइंट डिसाइड करता है कि अगर आप राइट साइड पे हैं तो ये ईस्ट है। इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या टेस्ट है। तक ट्रफाल्गर स्क्वायर को विजिट किए बगैर आपका जो लंदन का विजिट है, फाइनल डेस्टिनेशन टू विजिट, बट अनफॉर्चुनेटली स्काई गार्डन जो बहुत ही guys, welcome back to the channel, welcome back to another vlog and welcome back to another beautiful day from London. Aaj hai hum mera picha dekh sakte hain the new forest wildlife park mein. Ye situated hai Hampshire mein aur east London se ye takriban almost koi 1 hour ki drive ke upar hai. Yahan par hum isliye aaye hain ki hame to isse different cheeze dekhni hai. Kal hum London ki roshniyan dekh rahe the, आज हम थोड़ा सा फॉरेस्ट वाली साइड पे आए हैं। अच्छा, ये फॉरेस्ट मशहूर है अपनी हीट लैंड से, नेटिव पोनीज़ हैं यहाँ पर। जब आप एंटर हो पहले इसको देखें, एक एक एरिया देखें कौन सा टॉडलर्स का एरिया है, और फिर उसको फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाएं। चलें अभी हम भी एंटर होते हैं और फिर आपको विजिट करवाते हैं। अच्छा गाइज, आज हमारे साथ जो हैं वो लोग जो हैं, अभी मैं तो चले गए वापस अपने कंट्री आयरलैंड। हमारे साथ आज दो नए दोस्तों ने ज्वाइन किया, तलहा भाई ने और अरकम भाई ने, ठीक है। तो आज ज़रा गैंग डिफरेंट है। तो तलहा भाई, अरकम भाई, थोड़ा सा बताएं इस पार्क में ऐसा क्या है जो हम यहाँ पर आए हैं? एनिमल्स हैं, नेटिव पोनीज है, फॉरेस्ट है, सो एक थोड़ी सी नेचुरल हम एक्टिविटी इन्जॉय करना है। क्योंकि कल हमने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमने ज़रा वो सिटी की चकाचौंध लाइटें, नाइट लाइफ देखी, आज हम ज़रा नेचर के पास आए हैं। तो साथ साथ आपको दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं और थोड़ा सा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, जैसे पहले भी पिछले ब्लॉग्स में करते रहे हैं, जिन्होंने पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे जाके देखें, और लंदन और उसके आउटस्कर्ट्स में जितनी भी कोई साइट सींग्स हैं कोशिश की उसको कवर करें। इससे ये जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको ये वाला एरिया नज़र आता है जिसमें उन्होंने छोटे छोटे केजेस बनाए हुए हैं। ये है यूरोपियन पोल कैट, और इस तरह के एनिमल्स हैं यहाँ पर। देखिए आपको कंप्लीट जो है ये फॉरेस्ट की लुक आएगी, ये पाथवेज बने हुए हैं और काफ़ी रश है यहाँ पर। एक तो आज ऑफ डे भी है और ये लोग नेचर की तरफ रहना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि जितना नेचर के करीब रहें, क्योंकि अब सिटीज़ की लाइफ इतनी डायनामिक और इतनी आपको टॉल आपके ऊपर आता है उसकी वजह से, सो ये भी ज़रूरी है कि नेचर को इन्जॉय करें और जितना इन्जॉय कर सकें, कि दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। ये है जी एशियन शॉर्ट क्लॉड ऑटर, वो भागता फिर रहा। लो जी, आतिफ भाई जो है उसको तकरीबन कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हैं जबकि वो है नहीं। इसके लिए जो अभी तक फील आई है ना मुझे, इट्स मोर ऑफ अ फैमिली ओरिएंटेड पार्क, और लेकिन ये बहुत बड़ा है, अभी तो स्टार्ट है। हमेशा जब आप थोड़ी सी अपनी रूटीन से हट के कुछ चीज़ देखने जाते हैं तो शुरू में आपकी एक्सपेक्टेशन और होती हैं, बट जैसे जैसे आप उसके अंदर अपने आप को इंडल्ज करते जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट किस्म की फील आती है।
So definitely, it is supposed to be a good place, and it will be. Most importantly, it is free for everyone. आप enter हो सकते हैं without any cost. कोई ऐसा मसला नहीं है. अच्छा जी गाइस, अब हम आगे हैं स्नोई आउल को विज़िट करने के लिए. और स्नोई आउल, अगर मैं बताऊं आपको, तो ये आउल की एक बड़ी ही एक्सटिंक्ट किस्म की ब्रीड है, स्पीशी है, जो कि नॉर्मली आपको सिर्फ और सिर्फ ठंडे इलाकों में आप देखेंगे, आपको मिलेगी. और मोस्टली ये आपको आर्कटिक रीजन में मिलेगी, क्योंकि वो बहुत कोल्ड होते हैं. और आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो इसका लाइफ स्पैन है वो अराउंड 10 ईयर्स है. इसकी जो एज है वो मैक्सिमम जो होती है वो 10 ईयर्स तक है. सो दीज वर द फन फैक्ट्स अबाउट द स्नोई ऑयल. बाकी चलते हैं और आपको और चीज़ें विजिट करवाते हैं. अच्छा, बीच में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लंदन का वेदर है, कभी बारिश हो जाती है, कभी क्लाउड्स आ जाते हैं, और कभी सनलाइट आ जाती है. सनलाइट हमें ना बहुत कम मिली है पिछले 6 दिन में, बिकॉज आज 6ठा दिन है हमारा. लेकिन बहुत मुश्किल से हमें सनलाइट मिली है. वेलकम टू द डियर एनकाउंटर. यार ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है. ओके, पुश करें इसको. सो गाइस, अब हम रेडी हैं डियर एनकाउंटर के लिए. एंड आई होप कि हमें कोई डिफरेंट स्पीशी नज़र आए डियर की भी, जैसे हमें पीछे आउल की डिफरेंट स्पीशी नज़र आई हैं. सो होपिंग अगेंस्ट होप, लेट्स सी कैसे कैसे डियर होते हैं यहाँ पर. यार डियर का ज़रा साइज़ देखें आप, ह्यूज साइज, स्पाइक बैग, अच्छा खासा बड़ा है. ओरल आउल कहाँ छुपा हुआ, वो छुपा हुआ. ओ भाई उड़ के दिखा. दिन है ना, उसने आँखें बंद कर ली है ना, दिन में आँखें बंद. उल्लू ही होता है भाई. यूरेशियन ईगल आउल मीन्स के यूरोपियन एंड एशियन. ओके जी, की फैक्ट्स. बॉडी इसकी जन्म वो है ईगल की ना. लाइफ स्पैन अप टू 50 इयर्स. क्या बात है. अच्छा जी, अब हमने अभी तक जो है वो डियर्स और बाइजन्स, और अभी आपने देखा होगा कि पिग भी थे. अब हम डेंस थोड़े से एरिया में जा रहे हैं फॉरेस्ट के. और अच्छा, जनरली स्पीकिंग आई एम लाइकिंग दिस प्लेस, लेकिन जो गैंग के बाकी हजरात है ना, उनको कोई नहीं पसंद आ रहा. ठीक है ना, जैसा मैंने पहले बताया, आते भाई मेहताब भाई ज़बरदस्ती चल रहे हैं हमारे साथ. लेकिन अब देखें भाई, मेज़बान यहाँ लेके आए हैं, तो मेहमान नवाजी तो वो कर ही रहे हैं, और हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा. लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे तो ये चीज़ जगह पसंद आ रही है, क्योंकि आप, अगेन मैं रिपीट करूँगा, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंट चीज़ें देखने चाहिए, हर किस्म का एक्सपीरियंस करना चाहिए. बहुत ही ना सुकून है यहाँ पर, बहुत सुकून है, कामनेस है, और इट्स मोर ऑफ अ फैमिली यू नो पार्क. वाइल्ड लाइफ तो है, लेकिन वाइल्ड लाइफ को उन्होंने बड़ा सिक्योर एक एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है. बहुत ज़्यादा बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, किड्स विद पेरेंट्स विद देयर फैमिलीज, क्योंकि बच्चों के लिए ख़ास तौर पर एक बड़ा ही अट्रैक्टिव प्लेस है, बिकॉज उनको ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिनेट करते हैं. और वो ख़ासकर जब इस तरह के जंगल वाले माहौल में आते हैं, तो उनको इसका और मज़ा आता है. अब हम आगे हैं नॉर्दर्न लिंक्स को देखने के लिए. ये इसके जी फन फैक्ट्स हैं. कहाँ है जी नॉर्दर्न लिंक्स. अच्छा गाइस, ये जो लिंक्स हैं, ये मीडियम साइज प्रीडेटरी कैट्स होती हैं. और जो नॉर्दर्न लिंक्स है, ये इनका एक स्पीशी है, वन ऑफ द 4 स्पीशीज. और इसकी जो लाइफ स्पैन है, ये अराउंड 15 to 20 ईयर्स होता है. और ये नॉर्दर्न पोलैंड में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न लिंक्स. सो अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है. नॉर्थ वेस्ट वुल्फ के पास सब हम आ गए. जो वुल्फ की जो सबसे थ्रेटनिंग जो स्पीशी है, सब स्पीशी, वो ये है, वाइट कलर का है, स्नोई कलर का, और वाइट वाइल्ड है ये.
ये वुल्स के बिल्कुल सामने बेबी कैंगरू है। ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे मिला नहीं था, यहाँ मिल गया। कैंगरू बड़े फ्रेंडली होते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल इसको एक ओपन एरिया में रखा हुआ। सो गाइस, ऐसा है कि एक घंटे में हमने इसको कंप्लीट विज़िट कर लिया, और कोई इतना बड़ा नहीं था जो एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी बड़ा पार्क होगा। छोटा सा पार्क था, लेकिन एक गुड फैमिली स्पॉट है। सो वी आर डन विद इट। हमारे लिए इतना कुछ था इसके अंदर। हमने डिसाइड किया कि हमें कोई नई जगह तलाश करते हैं। जैसे मैंने आपको रोज़ कहता हूँ कि प्लान रोज़ बनता है और रोज़ बदलता है, अब भी बदल गया है। अब देखिए हम कहाँ चलते हैं। अच्छा जी गाइस, ऐसा कि न्यू फॉरेस्ट पार्क का एक्सपीरियंस ऐसा को मिक्स था। इट वॉजेंट वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, बट अगेन आप जब भी कोई चीज़ एक्सप्लोर करने जाते हैं, सम टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, सम टाइम एक्सपेक्टेशन कम होती हैं, आपको चीज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मिल जाती है, सम टाइम आपको बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ मिल जाती है। बट दिस इज़ हाउ इट इज़, बिकॉज जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो ऐसा ही होता है। एनी वे, आफ्टर अ ड्राइव ऑफ टू एंड हाफ आवर हम सेंट्रल लंदन के पास एक जो बहुत ही मशहूर तरीन जगह ग्रीनिच पार्क पहुंच चुके हैं। और ये मेरी जो विश लिस्ट थी या चेक लिस्ट थी, उसमें वन ऑफ द टॉप लोकेशंस थी कि हमने इसको विज़िट लाजमी करना जब हम लंदन जाएंगे। तो सो फाइनली वी आर हेयर। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि जी यहाँ से दुनिया का टाइम स्टार्ट होता है। सो वो है ग्रीनिच पार्क में ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी। 1600 समथिंग में चार्ल्स टू ने इसको बनाया था, और यहाँ पर आइज़क न्यूटन की जो है टेलीस्कोप वो भी है। सो इट्स अ ब्रीफ व्यू अबाउट इट। बस अब हम ग्रीनिच पार्क में एंटर हो गए हैं, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट ऑब्जर्वेटरी। बस वहाँ मिलते हैं और आपको वो एक हिस्टोरिक आइकॉनिक जगह दिखाते हैं। सो गाइस, ये है जी रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ग्रीनिच, जहाँ पर टेलीस्कोप फिक्स की गई थी, जहाँ से उन्होंने फिर लॉन्गिट्यूड्स डिसाइड करना शुरू की है और दुनिया के टाइम डिसाइड करना शुरू की है उस वक्त। लेकिन काफ़ी अर्सा तक डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइम जोन्स चलते थे, लेकिन उसके बाद आई गेस 19 समथिंग में GMT सेट किया गया। और वह GMT किस क्लॉक के अगेंस्ट सेट किया गया, क्यों सेट किया गया, किसने सेट किया? ऑब्वियसली दिस वाज डन बाय द ब्रिटिश रॉयल फैमिली, बिकॉज ये उन्हीं के अंडर आता है। और ये जो ग्रीनिच पार्क है, ये भी जो 8 रॉयल पार्क्स हैं उनमें से एक ये पार्क है। सो अब मैं आपको वो क्लॉक दिखाने जा रहा हूँ जो दुनिया के टाइम को डिसाइड करती है कि वी आर द स्टैंडर्ड, अदर विल फॉलो अस। सो पहले वो क्लॉक देखते हैं, फिर आपको जीरो पॉइंट दिखाता हूँ। वो उस पॉइंट से GMT प्लस और GMT माइनस डिसाइड किए जाते हैं। और ये है वो क्लॉक, दिस इज द क्लॉक, द शेफर्ड 24 आवर्स गेट क्लॉक, जो के दुनिया का टाइम डिसाइड करती है। दिस इज एन अमेजिंग थिंग, हिस्ट्री है ये, और हिस्ट्री को कैप्चर करने का अपना ही मज़ा है। आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं यहाँ पर आया हूँ और एक हिस्ट्री का पार्ट बनाऊँ। दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। ज़रूर आए यहाँ पर, क्योंकि ऐसी जगह पर आकर ना आपको एक अकम्पलिशमेंट फील होती है, एंड दिस इज़ सुपर्ब। सो गाइस, अब टाइम है वो लाइन जो डिसाइड करती है कि वेयर इज़ ईस्ट एंड वेयर इज़ वेस्ट। हम वहाँ पर जा रहे हैं, सब लोग यहाँ पर आके खुश होते हैं और अपनी पिक्चर लेना चाहते हैं, और इस लाइन को कहते हैं मेरिडियन लाइन, और कुछ लोग इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। गाइस, ये है वो जगह मेरिडियन
लाइन या मेरिडन, प्राइम मेरिडन भी कहते हैं इसको, जो जीरो पॉइंट कहलाता है, और ये जीरो पॉइंट डिसाइड करता है कि अगर आप राइट साइड पे हैं तो ये ईस्ट है, तो जीएमटी प्लस हो जाएगा। पाकिस्तान में होंगे तो जीएमटी प्लस 5 या जीएमटी प्लस 4। अगर लेफ्ट साइड पे वेस्ट है तो ये जीएमटी इस पे माइनस होता जाएगा। सो ये एक हिस्टोरिक जगह है जिसको आना और इसको विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा विज़िट करके, मैं तो इसको बहुत पसंद कर रहा हूँ। आप जब भी लंदन आएँ तो इसको विज़िट लाजमी करें। गैस जब आप इस मैरिटाइम लाइन से थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये पाथवे बना हुआ है, और ये पाथवे आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले जाता है जो कि लंदन की पूरी स्काई लाइन का व्यू देता है आपको। एंड जस्ट लुक एट दैट, दिस इज़ ब्यूटिफुल। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्टिक स्पॉट है, लोकल्स भी इनफैक्ट इसको बहुत इंजॉय करते हैं बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और मैं लिटरली बताऊं कि मुझे तो आई एम फीलिंग लिटरली एलिवेटेड, आई एम लिटरली फीलिंग प्राउड। थैंक यू तला भाई, आपके तला भाई ने सपोर्ट किया, हमें लेकर आए और फिल्मिंग भी की मेरे साथ, तला भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा गाइस, जब आप उस पाथवे को फॉलो करते हैं तो ये लंदन स्काई लाइन जो आपको नज़र आती है, इसके साथ ये है मैरिटाइम म्यूजियम। दिस इज़ वन ऑफ द अगेन एक बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अबाउट 5 o'clock, तो ये अभी बंद हो जाएगा। सो लेट्स गो ऑन टू द पाथवे और देखते हैं कि ये पाथवे हमें कहाँ लेकर जाता है। मैं तो आई एम सेटिस्फाइड, आई एम डन विद माई टूडेज एक्टिविटी। मुझे खुशी है कि ये वो चेकलिस्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे रिपीट करने में कोई मसला नहीं है। समटाइम लोग कहेंगे यार एक बात को बार बार रिपीट कर रहा है, बट दिस इज़ कि आप जब खुश होते हैं, जब कोई अचीवमेंट है, कोई अकम्पलिशमेंट है लाइफ में, सो सेलिब्रेटेड और सेलिब्रेटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कोई किसी को अच्छा लगे मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छा लगे जाने दें, हॉर्न देकर पास कर दें, ठीक है। अच्छा गाइस, रॉयल ऑब्जर्वेटरी के साथ रॉयल ऑब्जर्वेटरी पार्क है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी क्लॉक है, और प्राइम मेड्राइन है जो कि मेड्राइन लाइन भी कहते हैं। और जो लास्ट स्पॉट है यहाँ पर जो कि विजिटर्स जिस तरह अट्रैक्ट होते हैं, वो ये है जेम्स वुल्फ का स्टैचू। दिस स्टैचू ये कैनेडियन लोगों ने गिफ्ट किया था जस्ट टू एड अनदर फीचर टू डैट पर्टिकुलर प्लेस। और बहुत यहाँ पर लोग हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे खूबसूरत स्काई लाइन का व्यू। पीपल आर हेयर फॉर फन, वैसे भी आज ऑफ डे है, 1st of May है, और लोग यहाँ इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ले रहे हैं बिकॉज अगेन यू आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। गाइस ऐसा है कि हम वहाँ से ग्रीनविच पार्क से निकल के सेंट्रल लंदन के मोस्ट लाइक्ड और मोस्ट पॉपुलेटेड और मोस्ट कंजस्टेड एरिया में आए हैं, बट इट इज़ एलीट ऑफ द एलीट्स का एरिया है ये, जिसमें विक्टोरिया स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और एडवेयर रोड, ये सब जगह आती हैं, और भी काफ़ी नाम है, आई माइट बी मिसिंग समवन। सो यहाँ पर हम क्या करने आए हैं, यहाँ पर हमने एक एडवेयर रोड पे बहुत मशहूर शवारमा है वो खाने आए हैं, ताकि कुछ पेट पूजा भी हो जाए। साथ साथ मैं आपको एक कुछ फैक्ट्स भी बता चलूँ कि लंदन के, हाँ उसमें आप पार्क लेन भी ऐड कर लें, पार्क लेन भी ऐड कर लें, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर अगर आपने अपनी गाड़ी लेके आनी है 6 बजे से पहले तो आपको कंजेशन चार्जेस और ULEZ चार्जेस देने पड़ते हैं। और जो कंजेशन चार्जेस हैं वो हैं 17 pounds और ULEZ चार्जेस जो हैं वो हैं 12 pounds। ऐसे ही है अरकम भाई? अच्छा, और अगर आपकी कार जो डीज़ल है सो आपको दोनों चार्जेस देने पड़ेंगे, एंड यू इफ़ यू आर हैविंग अ पेट्रोल कार तो सिर्फ आपको कंजेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। सो ये मैंने कहा मैं आपको बता दूं, और उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज क्योंकि बहुत ही पॉश एरिया है, सो गवर्नमेंट ने यहाँ के ये रिसेंटली ये चार्जेस लगाए हैं ताकि यहाँ कम से कम व्हीकल्स ऐड हों, और जो एलीट क्लास है या टॉप ऑफ द लाइन लोग हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि मुझे मिली तो मुझे आपको देना ज़रूरी है।
क्योंकि आप भी तो मेरे साथ लंदन में ट्रैवल कर रहे हैं, और जब लंदन में ट्रैवल करें तो इन्फॉर्मेशन जो मेरी वही इन्फॉर्मेशन आपकी। ठीक गाइस, ये शवारमा आ गया हमारा, और इस शवारमा की जो कॉस्ट है दिस इज हाफ है, इसकी कॉस्ट है अराउंड 7.5 pounds। फेमस शवारमा, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या टेस्ट है। बाला लाया जो ब्रेड है ना, ब्रेड इंडिया क्रिस्पी ब्रेड है ना, नॉर्मली वहाँ पर हमारे पास जो जिसको पीटा ब्रेड यूज़ करते हैं वो बड़ी फ्लफी सी होती है, बट दिस शवारमा ये ब्रेड ये बहुत क्रिस्पी और बहुत थिन है, तो स्पेशलिटी है, रिकमेंडेड है हाईली। अगर आप लंदन आएँ, एडवुड रोड पर आएँ, तो ये शवारमा लास्ट में ट्राई करें। गाइस, शवारमा डन विद ओरिजिनल टेस्ट ऑफ द कोक, मज़ा आ गया यार, क्योंकि ब्रेकफास्ट किया हुआ था सुबह का सिर्फ, के बाद से बाहर निकले हुए थे, और अब शाम के ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ट्रफाल्गर स्क्वायर। अच्छा गाइस, शवारमा खाने के बाद आपको पता है मैंने आपको कहा था कि हम ट्रफाल्गर स्क्वायर जाएंगे, और दिस इज़ आइकॉनिक प्लेस ट्रफाल्गर स्क्वायर, ये देख। और इसकी अपनी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो इसलिए कि जब 1805 की जो नेपोलियन वॉर्स हुई हैं उसकी याद में जब ये बनाया गया ट्रफाल्गर स्क्वायर 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, एंड दोज वॉर्स वर वन बाय ब्रिटिशर्स, और यहाँ जिस प्लेस पे ये वॉर हुई थी ट्रफाल्गर केप पे, उसी के नाम से इसका नाम ट्रफाल्गर स्क्वायर रखा गया। और लंदन की बहुत ही फेमस ये स्पॉट है, जहाँ पर टूरिस्ट लाजमी आते हैं, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, पूरा मैं आपको व्यू देता हूँ इसका। अच्छा, ट्रफाल्गर स्क्वायर को विज़िट किए बगैर आपका जो लंदन का विज़िट है वो इनकम्प्लीट है। सो इट इज़ अगेन, मैं अभी रिपीट करूँगा, बहुत ही आइकॉनिक, बहुत ही खूबसूरत और फुल ऑफ हिस्ट्री जगह, ये इसका कंप्लीट व्यू। और आप देखें कि कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर विज़िटर्स आए हुए हैं, उन्होंने अपनी चीज़ों को प्रिजर्व किया है, ब्रिटिशर्स ने अपनी चीज़ों को प्रिजर्व किया है, और अपनी चीज़ों को उन्होंने इस तरह मार्केट किया है कि लोग सिर्फ ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखने के लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्चते हैं, और सिर्फ क्या करते हैं कि जस्ट हम इनकी लोकेशंस को, इनकी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को विज़िट कर लें। सो जो बड़ी कौमें होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव रखती हैं ज़िंदगी में अपना, और जो ये सोचती हैं कि हमें अपने आप को बड़ा दिखाना है, वो अपने पास्ट को कभी नहीं भूलती, अपनी हिस्ट्री को कभी नहीं भूलती, और उसको प्रिजर्व करती हैं और उसको प्रेजेंट करती हैं दुनिया के सामने ऐसे, ताकि दुनिया को पता लगे कि इन इम्पॉर्टेंट जगहों की क्या वैल्यू है। सो गाइस, ये हमारी आज की थी लास्ट और फाइनल डेस्टिनेशन टू विज़िट, बट अनफॉर्चुनेटली आज जो है वो बुकिंग जो है वो क्लोज़ हो चुकी हुई है। इनफैक्ट बुकिंग 1 month के लिए अवेलेबल नहीं है, वो केम एज अ वॉक इन कस्टमर, लेकिन बट जो टाइम था वो ओवर हो चुका। स्काई गार्डन जो बहुत ही एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल के उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है, जिसका जो असल मकसद यहाँ पर आने का ये है कि आप सनसेट को इन्जॉय कर सकें, तो सनसेट भी चला गया, और अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है आज के दिन में, लेकिन इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर दोबारा विज़िट करेंगे, तो इसको देख लेंगे। आज का व्लॉग फिर मैं ख़त्म करता हूँ, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।